मैं क्या बोलूँ, मेरी चलती नहीं है ना। पागल हो गया संदीप, तुम मेरे लिए नहीं बोलोगे क्या घर पे? इसी के लिए मेरे को जाना है, एक रिंग खरीदनी है एंगेजमेंट के लिए। मैंने क्या कमी करी, मैंने आज तक क्या कमी करी? तुम मैं नहीं बोल सकता, तुमसे क्या बोलूँ, तुम जाओ। मैं नहीं बोल सकता, तुम जाओ, चलो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। बैठ जा, बैठ जा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर प्रैंक। आज का जो प्रैंक होने वाला ना, इसमें मैं मेघा के साथ करने वाला प्रैंक। इसलिए मैं इन्हीं लोगों के रूम पे आ गया हूँ क्योंकि मुझे कैमरा लगाना था और लकी की हेल्प चाहिए थी कैमरा लगाने के लिए। कैमरा तो सेट कर दिया है, मेघा गई है नीचे सामान लेने के लिए। तो जैसी वो आएगी उसके बाद हम प्रैंक स्टार्ट कर देंगे। प्रैंक में क्या होने वाला है ना, मैं करने वाला हूँ मैरिज फेक प्रैंक वाला। तो लकी एक काम करना ना, जैसी वो आएगी उसका किसी बहाने से चले जाना नीचे को, ठीक है? क्योंकि वो सामने होगी तो इतना रिएक्ट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि क्या होगा एक जो जने और होंगे तो रिएक्ट नहीं कर पाएगी उतना, और इतना औसम वाला जो रिएक्शन है वो नहीं निकल पाएगा। फिलहाल मैं रोमियो को भी लेकर आ गया हूँ, तो वेट करते जब तक वो आती है। जैसी आएगी वैसी प्रैंक स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं गाइस प्रैंक के एंड में। 5 मिनट्स लेट। मत कर, उठ जा। लक्को सुनना, बेसन तो मिलाएगी यार, वो पीछे मंगा दिया आंटी के वहां पे। मैं नीचे ले लेना, जल्दी दुकान से लेने के लिए गई थी। तुम्हारी भी तो हो गई होगी, मैं तो कल जाऊंगा ना, पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत ही प्यास लग रही है। मैं कुछ बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आओ इधर। क्या हुआ? कुछ बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? क्या बात कर रहे हो? पानी की प्यास लग रही थी इसलिए मैंने सुना नहीं, सॉरी। तुम आज जा रहे हो, मैं कल जा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ देहरादून। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो फिर? मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी। ऐसी क्यों बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं और रोमियो जा रहे हैं हल्द्वानी, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जा रहे हो बात काट के जा रहे हो। क्या हुआ? देखो मेरे को जाना है हल्द्वानी, कुछ फैमिली प्रेशर है तो उसी वजह से मेरे को हल्द्वानी जाना है। कुछ सीख ठीक हुआ तो मैं बता दूंगा तुम्हें, या अगर टाइम मिल गया। क्या हुआ फैमिली में, क्या प्रेशर आ गया? देखो मेरे दादाजी आर्मी वाले, तुम्हें पता ही है। हाँ, तो सब डरते हैं उनसे, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको कोई पसंद होगी लड़की, ठीक है, जो उनकी ही फ्रेंड है, तो उन्हीं की पोती है, तो उनकी और मेरी करवा दी। तुमने कुछ बोला नहीं? मैं क्या बोलूँ, मेरी चलती नहीं है ना। पागल हो गया संदीप, तुम मेरे लिए नहीं बोलोगे क्या घर पे? इसी के लिए मेरे को जाना है, एक रिंग खरीदनी है एंगेजमेंट के लिए और शगुन के लिए लेके जाना है। किसके लिए, किसके साथ एंगेजमेंट कर रहे हो तुम? मुझे जाना है रानीखेत। तुम पागल हो क्या, तुम किस औरत से शादी कर रहे हो? शादी वाली बात नहीं है, देखो मैं अपनी मम्मी पापा को बोलो ना, उनसे तो मेरी बात हुई है, उनको बोलो मेरे कि मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। तुम समझो ना, नहीं चलती है मेरे दादाजी के सामने किसी की, किसी की नहीं चलती है, किसी की भी नहीं चलती है। तो पता आर्मी वाले कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन सबको फॉलो करते हैं, जो उन्होंने कह दिया ये चीज है तो बस है। संदीप तुम मेरे को ना, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं मजाक इस टॉपिक में मजाक लग रहा हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो यार। मैं मजाक क्यों करूंगा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है संदीप, तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी पैकिंग में पूरी हेल्प करूंगा, मैंने अपनी मम्मी पापा दादी सबको बता रखा है तुम्हारे बारे में, और तुम यहाँ कह रहे हो कि मैं किसी और से रिंग सेरेमनी करने के लिए जा रहा हूँ घर पे। और मैं वहाँ पे देहरादून में क्या करूंगी? मैं सीरियस था ना तुम्हारे लिए, मैं तो अभी भी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर रिस्पेक्ट करते हो मैं भी तुम्हारे घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम अगर एक बार प्यार से बोल दोगे ना कि मैं मेघा से प्यार करता हूँ, मेरी खुशी वही है, मैं आपकी चॉइस से नहीं, थोड़ा बहुत अपनी चॉइस से शादी करना चाहती हूँ, सब कुछ सेम है, कास्ट सेम है, सब कुछ सेम है, उसके बाद क्या दिक्कत है यार? मैंने नहीं सोचा होगा कि ये चीज ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है ऑप्शन, कोई फायदा नहीं है बात करने का, ये चीज तो मेरे दिमाग में भी क्लिक हुई होगी। तो तुमने बात नहीं की उनसे? मैं नहीं कर सकता, मैंने आज तक करके देख लो ना प्लीज, एक बार करके देख लो यार। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेरे दादाजी ने उनको बात कर लिया, वहाँ पर शगुन की बात हो चुकी है, उनकी भी तो जो रिस्पेक्ट है इतने सालों से, उनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत खराब नहीं होगी कि यार मैं अपनी और हमारा क्या होगा, मेरा और मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरी जितने भी मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स, प्यार, जितना आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर अपना टाइम स्पेंड किया एक डेढ़ साल तक, वो कहाँ गया, वो कहाँ चला जाएगा? देखो मैं सबकी तरफ से सॉरी कह रहा हूँ, अपनी फैमिली की तरफ से, खुद की तरफ से सॉरी कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में बात करनी है, तुम्हारे सॉरी से हो जाएगा क्या यार? मैं तुम्हारे तुम किसी और से शादी करने की बात कर रहे हो और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, बस बात करता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, है ना? मुझे भी दुख हो रहा है, मैं भी शॉक्ड हूँ, ऐसा कैसे हो गया अचानक, कल तक तो तुम्हें लग नहीं रहा, तुम्हें दुख हो रहा है यार, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ बता, कैसे एक्सप्रेस करूँ? मैंने अपने घर में यहाँ तक तो बोला था ना कि मैं साथ में वीडियो बनाता हूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें कोई दुख नहीं हो रखा, ठीक है?
तुम जानबूझ के कर रहे हो ये सब। तुम मुझे छोड़ना चाहते थे ना पहले से। मैं क्यों छोड़ा? तुम्हें मैं पसंद नहीं थी ना। अगर नहीं पसंद होते तो नहीं, तुम्हें मैं पसंद ही नहीं थी, इसलिए तुम ये सब। अरे यार, अगर नहीं पसंद होते तो मैं वीडियो क्यों बनाता? सिर्फ हम लोग ऑडियंस ही नहीं देखते, घर वाले भी देखते हैं वीडियो को, उनको भी तो जाती है कि यार ये इस तरह की वीडियो क्यों बना रहे। मैंने बोला अच्छे दोस्त है हम लोग, लेकिन सब यही तक पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन दादाजी दादी इन लोगों को नहीं पता ना। सब कुछ डिसाइड हो गया, तुम मुझे आज बता रहे हो कि तुम्हारी अब शादी होने वाली है किसी और लड़की के साथ। और दो दिन पहले मुझे खुद पता चला। तो दो दिन पहले तुमने मुझे रात को कॉल पे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? उसी दिन निकालने की बात करती ना मैं तुम्हारी, तुमसे बोलती तुम्हारी दादी से, दादाजी से बात करती, मम्मी से बात करती, पापा से बात करती, मैं प्यार से बात करूंगी क्योंकि मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पोलाइटली तुम वहाँ जाओगे और रहता फैलेगा। मैंने तुम्हें इसलिए दो दिन से नहीं बताया क्योंकि मैं खुद भी तो सोच रहा हूँ। तुम्हारा बात करना जरूरी है अभी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, किसी की गलती नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तुम्हारी, तुम्हारे दादाजी की गलती है। उन्होंने तुमसे एक बार तुम्हारी गलती नहीं पूछी, तुम्हारी ज्यादा गलती है। वो उस तुम्हारी खुशी क्यों नहीं देखा तुम्हारे? उस जमाने में है ना जहाँ पे क्या कहते हैं ऐसा ही होता था। तो तुम्हें रहना है ना लड़की के साथ, तुम्हें लाइफ स्पेंड करनी है, उनको नहीं करनी है। उन्होंने भी तो परखा होगा लड़की को कि कैसी है क्या है। तभी तो पसंद आ गई मुझे, नहीं उनको पसंद आई है ना। उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो मेरा क्या होगा? मैं उसी के लिए तो सॉरी कहने के लिए ऊपर आया। तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ यार? मैं क्या बोलूँ, नहीं है ऑप्शन, कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं खुद दुखी हूँ यार। मैंने तभी तो दो दिन लिया, तुम्हें नहीं बताया क्यों? क्योंकि मैं खुद सोचा था क्या हो सकता है सॉल्यूशन। जब नहीं निकला मुझे, मैंने सोचा खाली तुम्हें क्यों परेशान करूँ, मैं खुद ही सॉल्यूशन निकाल लूंगा। मैं क्या करूँगी यार? तुम किस वजह से शादी कर लोगे? और मैं अपनी फैमिली वालों को क्या बोलूंगी? तुम्हारी गलती है, तुमने बोला नहीं अपने घर वालों को, तुमने खुद नहीं बोला होगा कि हाँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मेरी खुशी माँ है। मैंने क्या कमी करी? मैंने आज तक क्या कमी करी तुम्हारी? मैंने क्या कमी करी बताओ? मैंने क्या कमी करी? मैंने अपने घर में सबसे बड़ी कमी तुम्हारी यही थी कि तुम आज तक इतने टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं अब किसी और से जाके शादी कर रहा हूँ, राइट? तुम समझ नहीं रहे हो, वो जहाँ पे फैमिली आ जाती है वहाँ पे ये चीजें नहीं होती। मैं कह ही नहीं रही तुम अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओ, मैं कह रही हूँ तुम एक बार अपने बन की बात रख दो ना कि मैं उस लड़की से मुझे जानते नहीं क्या? वो लोग मुझे जानते हैं ना, मेरी वीडियोस देखते हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ देखते हैं। दादाजी लोग नहीं समझते ना, दादाजी लोग नहीं समझते, ये समझ नहीं समझते वो लोग। तो तुम उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं तुम्हारे पास? होता तो मैं निकालता ना। नहीं है सोल्यूशन, तभी तो मेरे को और रोमियो को निकलना है आज रात को। आज रात को या कल सुबह कैसे कर सकते हो संदीप? मैं तुम्हें तुम्हारे साथ शादी कर लोगे और मेरा क्या होगा फिर? यार मैं खुद परेशान हूँ यार, मैं क्या बताऊँ बता, अचानक से हो रही है। तुम जाने की बात कर रहे हो, मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा यार। ऐसे कैसे बुला दूंगी तुमको मैं? देखो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, केयर किया आज तक, आगे भी जब भी जरूरत होगी मैं रहूंगा साथ में, लेकिन प्लीज यार ये चीजें नहीं हो सकती ना। फैमिली जहाँ पे आ जाती है वहाँ पर हटना ही पड़ता है। तो मेरे को फट्टू कह दो, नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, लेकिन नहीं है। तुमने रिलेशनशिप में आने से पहले क्यों नहीं बोला ये बात मुझे? मुझे जब रिलेशनशिप में आए थे उस टाइम बोलना चाहिए था कि मैं मेगा तुम्हें कभी लाइफ में सपोर्ट नहीं कर सकता, तुम्हारे में कभी स्टैंड नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता था ना ये चीजें, ठीक है? तुम्हें मेरे को लग रहा है कि तुम मुझसे कह रहे हो फट्टू, तो ठीक है मैं फट्टू नहीं हो सकता। जहाँ पर फैमिली आ जाती है वहाँ पर झुकना ही पड़ता है। तुम मेरे साथ खुश नहीं होना? मैं था खुश, अभी भी हूँ, लेकिन वहाँ पर फैमिली प्रेशर आ जाता है, वहाँ पर ये चीजें करनी पड़ती है। यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? मेरे साथ मत करो। मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो मुझे हो रही है लेट, मुझे करनी है पैकिंग और मुझे जाना है हल्द्वानी परमानेंट के लिए। कुछ काम होगा तो मैं मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिल पाऊंगा। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तुम मुझे बात बताओगे मेरे पे क्या बीतेगी? तभी तो मैं ऊपर आया, मैं तुम्हें बताने के लिए तो आया हूँ। बस बता के चले जाओ, बस निकल लो ऐसे, इतना सा होता है। एकदम से तूफान आ गया, मैं क्या करूँ? मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना, मेरे को भी तो बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, मैं फैमिली प्रेशर है, सबको झेलना पड़ता है। कितना चल रहा है दिमाग? मतलब तुमने आज तक मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया यार। बहस करने का टाइम, प्यार नहीं किया, बहस करने का टाइम। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम नहीं जा सकते। मुझे निकलना है, अपने घर वालों से मेरे बारे में बात करो। अब चीजें नहीं हो सकती सॉल्व आउट, रायता और फैल जाएगा, बदनामी अलग होगी, क्योंकि मेरे दादाजी ने उनको बोल दिया है, तभी तो शगुन लेने जा रहे हैं, उनकी तरफ से आ गया है। और मेरा क्या होगा? मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? मैं सबको समझा दूंगा, लेकिन अब नहीं हो सकता है ना, मैं क्या करूँ बता? मैं खुद फंस चुका हूँ, तो मुझे निकलना होगा। तुमने बहुत गलत किया संदीप मेरे साथ, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था। बहुत चलो आ जा, हो सके तो ध्यान रखना अपना। मान ले तो ये सब कुछ है ही नहीं,
एक डेढ़ साल की रिलेशनशिप, इतना टाइम जो तुम्हारे साथ स्पेंड हुआ है, सब कुछ कुछ है ही तुम्हारे लिए? कुछ था, मैंने भी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मेरे सामने, मेरे सामने झूठ मत बोलो संदीप। यार मैंने भी तो अपना 100% दिया ना, अब एकदम से आ गया तो एकदम से आके मेरे को बता रहे कि मैं छोड़ के जाना, निकल ले मेरी लाइफ से। ऐसे होता है रिलेशनशिप, ऐसे ऐसे तो कहीं दिन अपनी वाइफ को भी बोल दोगे कि यार जा या निकल मेरी लाइफ से, मेरा मन नहीं होता इस तरह का, मैं डिवोर्स कर रहा हूँ। मैं ऐसा हूँ क्या? ऐसा तो तुमने मेरे साथ किया ना शादी से पहले। अगर मैं नहीं मानती कि शादी से पहले प्यार नहीं होता, शादी के बाद प्यार होता है क्या? हस्बैंड वाइफ होता अभी प्यार असली है तो उससे पहले असली है ही नहीं। मैंने भी तो अभी ये प्यार लीगल नहीं है, ये लीगल तब होगा जब हमारी शादी जाएगी, तब ये प्यार लीगल माना जाएगा। अगर मैं तुम्हारी फैमिली से प्यार करती हूँ ना, तो उनको भी तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना, उनको भी तो मेरे बारे में प्यार करना, मुझसे प्यार करना चाहिए। शादी के बाद ही प्यार होगा, शादी से पहले रिस्पेक्ट आ गई है, नहीं हो पाता है। शादी से पहले वो लोग मुझसे प्यार नहीं कर सकते, वो इंसानियत वो करते हैं उनकी तरफ से, मैं सॉरी कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर दादाजी की बात आ गई, जुबान की बात आ गई, इज्जत की बात आ गई, तो वहाँ पर नहीं हो सकता, वहाँ पर मेरे घर वाले खुद झुक जाएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि फैमिली की रिस्पेक्ट है ना, वहाँ से सबून आ गया। एक बात बोलूँ, जब लड़का खुद स्टैंड ना लेना चाहे ना, तो घर वाले अपने मन ही करेंगे। जब तुम अगर खुद मेरा स्टैंड लेते ना, तुम कहते कि मुझे वो पसंद है, मेरी खुशी वही है। अगर उनको भी मैं पसंद हूँ, तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, और वो तुम्हारी खुशी देख रहे, तो वो कैसे भी करके मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी है वहाँ पे, और तुम ही मेरे साथ खुश। मैं नहीं बोल सकता, तुमसे क्या बोलूं, तुम जाओ। मैं नहीं बोल, तुम जाओ, मैं तुमसे क्या बोलूं? जब तुम ही खुश नहीं हो मेरे साथ, तो मैं तुमसे क्या, मैं तुम्हारे घर वालों को क्या दोष दूं? जब मेरा खुद का सिक्का खोटा है। तुम्हें जो कहना है कह लो, अब यही चीज है, इसी के साथ जीना है, और बस यही है सब कुछ। टाइम के साथ सब सही हो जाएगा, मैं खुद भी हो जाऊंगा, तुम खुद भी सेटल हो जाओगे, क्योंकि चलती के नाम जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि किसी के आने से जाने से जिंदगी में थोड़ा असर तो होता है, पर उसके बाद ये थोड़ा है कि यार रुक जाती जिंदगी। चलो रो मत, अपना ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि मैं हेट करता हूँ तेरे को कि यार तो रोएगी तो मैं क्या हो? देख यही है चीज, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। रोने का कोई सॉल्यूशन है क्या? दो दिन से तो मैं भी रो ही रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। दिख रहा है तुम्हारे मुंह को देखकर, इतना रो रहे हो तुम। हाल तो कितने झूठ मत बोल करो मेरे सामने में। सर प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था, मेरी लाइफ के साथ प्रैंक करके जा रहे हो और बोल रहे हो प्रैंक था। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक था। कैमरा लक्की के सामने आया, मैं लक्की के साथ सेटिंग करी और उसके बाद कैमरा मैंने लगा दिया। क्या प्रैंक था, क्या प्रैंक था ये? मेरे साथ रिलेशनशिप प्रैंक था या फिर क्या था प्रैंक? ये जो चीजें बातें हो रही है अभी तक, ये प्रैंक था, प्रैंक था, प्रैंक। मेरे को मत मनाओ प्लीज, तुम्हें मेरे को रुलाने का ना कुछ ज्यादा ही शौक है। इतना प्यार करती है, सॉरी, चल चल देहरादून चलेंगे, चलो देहरादून चलेंगे। मैं नहीं आ रही कहीं, नहीं आ रही, मैं मेरे पास मत आओ, मेरे सब फट रहा है अंदर से, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सॉरी, अभी मेडिसिन खाऊंगी, सुबह से भूख क्यों लड़कों को भेज रखे बेसन लाने के लिए। सॉरी, वहाँ धूप इतना सर दर्द था कि धूप में मैं पीछे वाली दुकान में नहीं जा पाई। मैं ले आऊंगा, मेरा भी तो फास्ट है, मैं ले आऊंगा। तुम्हारा फास्ट होने के बाद तुमने आज मुझे इतना हर्ट किया संदीप। सॉरी ना, प्रैंक था, प्रैंक था, सॉरी प्रैंक था। वो देख कैमरा, वो देख कैमरा, देख। अभी कैमरा बंद करो, साइड रखो और जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आज दिन भर भूखी रहूंगी। क्यों रहोगे? मैं भूखी रह रही हूँ आज, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना आज। मैं लेकर आ रहा हूँ, ऑनलाइन मंगा दो जोमेटो से या स्विगी। कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं भूखी रहूंगी आज, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। मजाक था यार, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही ना, मजाक था, क्या था? अप्रैल फुल, अप्रैल फुल, मजाक। मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही, चल सॉरी, 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 मुझे माफ करो और तुम जाओ यहाँ से प्लीज। सॉरी, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। सॉरी, मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मैं हेडेक हो। अच्छा चल, सॉरी ना, ले सारी नजर, सारा सर दर्द तो कर जा। किससे उतार रहे हो? ये 1900 का बिल है ना, जैसे रुपए से नहीं करते, यूं यूं करके घुमा के ऐसे उड़ाते हैं। तो मेरे पास रुपए तो थे ही नहीं, तो मैंने 1900 का। क्यों करते हो? मजाक था, मजाक। पहले दूर रहो, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? बाद में बताऊंगा। सो गाइस, इस प्रैंक को यही एंड करते हैं। आई होप आपको मैं ना अब तुमसे ना रिवेंज लूंगी, बहुत गंदा वाला। तुमने जो मेरे का सर दर्द दे रखा है और इतने दिनों से मुझे रुला रहे हो ना डेली,
दोस्तों अगर आप मेरी टीम में होना तो #TeamMega करके कमेंट करो नीचे, और इसके साथ में प्रैंक करने मेरे मेरे साथ हो तो #संदीप की टीम में लिख देना #TeamSandeep। ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो भी मेरे साथ होगे ना बोलो #TeamMega लिख देना, मैं पक्का एक रिवेंज प्रैंक लेकर आऊंगी अपने चैनल पे। मैं साथ करोगे प्रैंक? ऑफ कोर्स करूंगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शट अप।